स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट चार्ट का कंपोनेंट है एक्सेस टाइटल. ओके, इट इज़ यूज टू शो व्हाट द कॉरिस्पॉन्डिंग एक्सेस एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस इज रिप्रेजेंटिंग नेम ऑफ सब्जेक्ट मार्क्स ऑब्टेंड. ओके, एक्सेस टाइटल वो टाइटल होता है जो कि टाइटल दैट मीन्स शीर्षक टॉपिक. ठीक है, तो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस का जो टॉपिक होता है, ठीक है, टाइटल होता है, उसी को हम एक्सेस टाइटल बोलते हैं. जैसे कि सब्जेक्ट टाइटल दे दें हम और मार्क्स मार्क्स ऑब्टेंड. ओके, तो एज द शोन इन द पिक्चर स्टूडेंट्स, सी ये आपका एक्स एक्सेस है और यहाँ पे आपको एक्सेस टाइटल क्या दिया गया है, सब्जेक्ट. ठीक है, देयर इज़ द एक्सेस टाइटल, द नेम ऑफ द एक्सेस टाइटल इज एक्स सब्जेक्ट्स. ओके, यू कैन सी सब्जेक्ट्स. ओके, एंड द वाई एक्सेस का एक्सेस टाइटल है आपका मार्क्स. ठीक है, मार्क्स जो भी ऑब्टेन किए हैं वो आपके वाई एक्सेस का टाइटल हो गया, मार्क्स ऑब्टेंड. ओके, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है आपका, ये आपको समझ में आ गया होगा एक्सेस टाइटल. नेक्स्ट है आपका डाटा लेबल. ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अ डाटा पॉइंट ऑन द चार्ट. डाटा लेबल, डाटा पॉइंट जो होता है चार्ट पे, उस पे जो इन्फॉर्मेशन होती है उसे ये रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, इन द सिंपल सेंटेंस वी कैन से दैट स्टूडेंट्स, कि जो भी इन्फॉर्मेशन चार्ट में डिस्प्ले होती है उसे हम, वो कहाँ पे होती है, एक डाटा पॉइंट पे होती है. ठीक है, तो उसी लेबल को हम क्या कहते हैं, डाटा लेबल बोलते हैं. ठीक है, जैसे कि पिक्चर में देखिए है, यहाँ पे लिखा हुआ है 79. ठीक है, तो ये 79 जो डाटा पॉइंट है, ये पॉइंट है डाटा का, और ये आपका डाटा लेबल, इसको हम बोलेंगे डाटा लेबल. ओके, ये हमारा डाटा पॉइंट है और इसी को हम बोलेंगे डाटा लेबल. ठीक है, तो यहाँ पे जो भी रेंज दी है उसी को डाटा पॉइंट बोल रहे हैं और उसका नाम है डाटा लेबल, इसी को हम लेबल करते हैं डाटा लेबल. ओके, नेक्स्ट है आपका लेजेंड. इट रिप्रेजेंट्स द डिफरेंट डाटा सीरीज ऑफ द चार्ट. ये डिफरेंट डाटा सीरीज को रिप्रेजेंट करता है चार्ट में. अ यूनिक कलर और पैटर्न इज असाइन टू डिफरेंट डाटा सीरीज. ठीक है, एक यूनिक कलर या पैटर्न, कोई भी पैटर्न हो सकता है, कोई डिज़ाइन, ठीक है, हो सकती है पैटर्न, दैट मीन्स आप कोई भी डिज़ाइन क्रिएट कर दीजिए, उसे पैटर्न बना दीजिए. ठीक है, या फिर कोई कलर आप लीजिए. असाइन टू अ डिफरेंट डाटा सीरीज़. ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट डाटा सीरीज़ को एक अलग अलग पैटर्न जो हम दे देते हैं, जिससे कि क्या होता है, सो दैट इट इज़ ईजीली अंडरस्टूड बाय द यूज़र. ताकि हम, यूज़र कौन है, हम आसानी से डाटा सीरीज़ को समझ पाएँ. ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पे आपकी पिक्चर में दिया हुआ है ब्लू कलर. देखिए ब्लू कलर दिया हुआ है, येलो कलर दिया हुआ है और ऑरेंज कलर दिया हुआ है, और यहाँ पे फिर ब्लू कलर दिया हुआ है. तो ये जो कलर्स दिए हुए हैं, ठीक है, इसी से हम डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा सीरीज़ को समझ पा रहे हैं. ओके, तो ये दीज आर कॉल्ड लेजेंड्स. जो भी आपके कलर दिए हुए हैं इन्हीं को हम लेजेंड्स बोलते हैं. ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको सब समझ में आ गया होगा, जितने भी कंपोनेंट्स मैंने आपको पढ़ाए हैं चार्ट के. तो इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, एनी प्रॉब्लम्स, सो यू कैन आस्क मी इन द क्लास एंड आई विल एक्सप्लेन योर ऑल क्वेरीज एंड ऑल प्रॉब्लम्स. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, गुड बाय.